दोस्तों ये है जानबोल्ट ग्रिगोरा 3 लीटर इंस्टेंट वाटर हीटर विथ डुअल थर्मोस्टेट। आज हम इसका अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं। हाय फ्रेंड्स, दिस इज बीबू दत्त फ्रॉम साउ टेक्नो गाइड। अगर ये वीडियो आप हमारे चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। सो फ्रेंड, लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये वीडियो में मैं आपके लिए कुछ कूपन कोड लेके आया हूँ। वो कूपन कोड को अगर आप जानपॉल्स.com में रिडीम करते हैं तो फ्लैट आपको 12% का डिस्काउंट मिलने वाला है। मींस ये वाटर हीटर आपको और भी कम प्राइस में मिल जाएगा। तो पहले कर लेते हैं इसका अनबॉक्सिंग। तो कंपनी यहाँ पे इसको वेल पैकिंग में दिया है, तो मैं यहाँ से बाहर निकाल देता हूँ। तो यहाँ पे कंपनी की तरफ से आपको कुछ पेपर डॉक्यूमेंट मिलता है, जैसे ये पेपर में आपको जानपॉल्स.com का बहुत सारे प्रोडक्ट का डिटेल दिया गया है। एंड दूसरा और एक पेपर डॉक्यूमेंट है जो कि ये हमारा इंस्टेंट वाटर हीटर का यूजर मैनुअल है। तो वाटर हीटर देखने के लिए बहुत ही साइज में कम्पैक्ट है, जैसे आप ये जगह में देख सकते हैं, साइज में बहुत ही कम्पैक्ट है। इसके अंदर आपको 3 लीटर का टैंक मिलता है जो कि जिंदल स्टील का स्टील में बना हुआ है। तो यहाँ से आप वाटर हीटर का फ्रंट लुक देख सकते हैं। यहाँ पे जानबोल्ट का बेजिंग दिया गया है एंड ये जगह में 2 लाइट दिया गया है, जैसे कि ये जो रेड लाइट है ये मेन पावर सप्लाई का लाइट है एंड जो ग्रीन कलर का लाइट है ये हीटिंग का लाइट है। एंड नीचे की तरफ आप देखेंगे तो ये जगह में उसका इनलेट दिया गया है एंड ये उसका आउटलेट है। एंड नीचे आपको ड्रेनेज के लिए एक पाइप दिया गया है। एंड ये वाटर हीटर आपको 3 पिन के साथ ही मिलता है। यहाँ पे 16 एम्पियर का एक पिन दिया गया है, इसको आपका कोई भी 16 एम्पियर सर्किट में लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, गीजर को इंस्टॉल करने से पहले आपको कुछ सामान का जरूरत पड़ता है, जैसे मैं आपको यहाँ पे डिटेल्स दिखा देता हूँ। आपको 2 पाइप का जरूरत पड़ेगा, जैसे कि एक पाइप इनलेट में लगता है, दूसरा आउटलेट में लगता है। तो ये जगह में आप देख सकते हैं 2 टाइप का पाइप में रखा हूँ, एक नॉर्मल वाला है और ये जगह में एक स्टील का कोटिंग वाला है। अगर आपको 2 टाइप का लगाना है तो भी लगा सकते हैं, अगर आपको स्टील टाइप का 2 लगाना है तो भी लगा सकते हैं। अगर आप अलग अलग ऐसे लगाते हैं तो ये प्लास्टिक वाले को आपको इनलेट में लगाना है, मीन्स जहाँ से ठंडा पानी गीजर के अंदर जाता है वो जगह में आप इस टाइप का पाइप लगा सकते हैं। बट जो आउटलेट है जहाँ से गर्म पानी आपका मेन टैप में जाता है वो जगह में ये टाइप का पाइप आप लगा सकते हैं। अगर आपको दोनों इस टाइप का लगाना है तो भी लगा सकते हैं। तो जब भी आप यहाँ पे पाइप लेंगे तो आपको एक चीज ध्यान देना है, उसके अंदर वाशर रहे। अगर वाशर नहीं रहेगा तो मे भी लीकेज हो सकता है। तो सभी पाइप लेने से पहले आपको चेक करना है कि उसके अंदर वाशर है या नहीं है। तो ये हो गया पाइप। उसके बाद आपको एक कनेक्टर का जरूरत पड़ेगा, एक आपको टेफ्लॉन टेप का जरूरत पड़ेगा एंड ये जगह में 2 कैप भी मैं लिया हूँ, जैसे 2 कैप आप आपका जो बाथरूम में जो भी लगा होगा पाइप सिस्टम तो उसमें ये कैप लगा सकते हैं आप। एंड ये जगह में एक टैप है जो कि इनलेट के जगह में लगता है, जैसे ये जो टैप रहता है इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर आप इस टाइप का एक टैप लगाते हैं तो कभी भी अगर गीजर में कुछ प्रॉब्लम आता है तो उस सिचुएशन में आपको आपका टोटल जो वाटर सप्लाई है उसको बंद करने का ज़रूरत नहीं है। जस्ट ये टैप को अगर आप बंद कर देंगे उसके बाद गीजर में कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप चेक कर सकते हैं। तो इतना सामान को आप खुद भी इंस्टॉल कर सकते हैं या कोई भी इलेक्ट्रिशियन को अगर आप बुलाते हैं तो भी वो इंस्टॉल कर देता है। तो यहाँ पे मैं इंस्टॉल कर देता हूँ, उसके बाद आपको डिटेल्स दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे आप देख सकते हैं गीजर को मैं वॉल में माउंट कर दिया हूँ एंड यहाँ पे मैं सिर्फ ओनली इसका इन का कनेक्शन किया हूँ। तो इनमें यहाँ पे एक टैप भी रखा हूँ, टैप अभी ऑफ है। तो जब भी आप ये कनेक्शन खुद करेंगे तो आपको इतना चीज याद रखना है कि पहले आपको इन में कनेक्ट करना है, उसके बाद ये टैप को आपको ऑन करना है। जैसे ही ऑन करेंगे इसके अंदर जो टैंक है वो टैंक फुल हो जाएगा, उसके बाद आउट में पानी बाहर आएगा। अगर आउट में पानी बाहर आ रहा है दैट मीन्स आपका प्लम्बिंग कनेक्शन परफेक्ट है। तो ये जगह में मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये मैं ऑन कर दिया तो यहाँ पे कंटिन्यूस पानी जो है आउट में बाहर आ रहा है, मीन्स हमारा कनेक्शन जो है परफेक्ट है। तो अभी मैं ये आउट को कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ से आप कनेक्शन का क्लोज लुक देख सकते हैं, जैसे इसका इनलेट एंड आउटलेट दोनों कनेक्टेड हो गया एंड मैं इसको 16 एम्पियर का सॉकेट में भी लगा दिया हूँ। एंड ये जो आउटलेट है ये डायरेक्ट कनेक्ट हुआ है हमारा पाइपलाइन में, जैसे ये इनलेट है, इनलेट में टैप लगा है, इनलेट अंदर जाता है एंड आउटलेट में पानी जो है आपका टैप कनेक्शन में जाता है। तो यहाँ पे हम पावर ऑन कर देते हैं। तो जैसे ही आप पावर ऑन करेंगे तो ये जगह में 2 लाइट ऑन होता है, एक हीटिंग का है एंड एक मेन पावर सप्लाई का है। तो इसके अंदर इनलेट से पानी जाता है एंड टैंक का पानी जैसे ही ज्यादा गर्म हो जाता है तो उसका थर्मोस्टेट जो है काम करता है एंड इसका जो हीटिंग लाइट है ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। तो अभी हम चेक करते हैं हमारा टैप में, तो ये टैप ऑन करके चेक करते हैं, जैसे अभी गर्म पानी आना चालू हो गया है।
तो आपका पानी के साइकिल के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आप ज़्यादा पानी अगर बाहर निकालते हैं टैप से, तो ये हीटिंग लाइट जो है ज़्यादा टाइम ऑन रहता है, क्योंकि उसमें फिर से ठंडा पानी अंदर जाता है एंड वो गर्म होकर फिर से बाहर निकलता है। अगर आप कम पानी यूज़ करेंगे तो वो सिचुएशन में हीटिंग लाइट जो है वो थोड़ा टाइम के लिए ऑन होता है, उसके बाद जैसे ही हीट हो जाता है ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। तो अभी मैं टैप को कंटिन्यूस ऑन कर दिया तो थोड़ा टाइम के बाद ये ऑटोमेटिक ऑन हो गया। जैसे अभी आप देख सकते हैं ये ऑन हो गया। तो आपका पानी का सर्किल के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि इसमें 3 लीटर का टैंक है, जैसे ही गर्म पानी ख़त्म हो जाता है तो इसमें ठंडा पानी इनलेट से जाता है तो ये फिर से ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से गीजर का क्लोज लुक आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 डिजाइन दिया गया है जो कि काफ़ी अट्रैक्ट लगता है, ये गीजर का लुक को और भी एनहांस कर देता है। इसको अगर आप आपका किचन या बाथरूम में भी लगाते हैं तो लुक वाइज ये बहुत ही अच्छा दिखेगा। तो फ्रेंड्स ये इंस्टेंट वाटर हीटर में आपको 8 बार प्रेशर मिलता है। अगर आप एक हाइटेड बिल्डिंग में रहते हैं टॉप फ्लोर में तो भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। ये 3000 वाट का है, इंस्टेंटली आपको गर्म पानी भी दे देता है। तो कंपनी इसका सेफ्टी के ऊपर भी बहुत ध्यान दिया है। जैसे कि इसमें आपको शॉक प्रूफ बॉडी मिलता है एंड इसका बॉडी जो है कोरोशन रेजिस्टेंस है। उसके साथ साथ इसमें आपको डुअल थर्मोस्टेट भी मिलता है। तो इसमें जो हीटिंग एलिमेंट यूज़ किया गया है वो 100% कॉपर का है एंड उसके ऊपर MGO का कोटिंग भी दिया गया है। तो थ्रू आउट देखा जाए तो ये एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। अगर आप मार्केट में इंस्टेंट वाटर हीटर देखने जाएंगे तो लगभग आपको 3500 के आसपास मिलेगा, बट ये ओनली मिलता है आपको 1800 रुपये में। तो यहाँ पे मैं और एक बार आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये वीडियो में मैं आपके लिए कुछ कूपन कोड लेके आया हूँ। वो कूपन कोड को अगर आप janpauls.com में रिडीम करते हैं तो फ्लैट आपको 12% का डिस्काउंट मिलेगा। मीन्स ये प्रोडक्ट का प्राइस आपके लिए और भी कम हो जाएगा। तो ये वाटर हीटर रिगार्डिंग, अगर आपका मन में कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं बहुत जल्दी उसका आंसर आपको दे दूंगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून।